सो फाइनली दोस्तों शैतान मूवी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई साहब एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है इस तारीख से। एंड वेल दोस्तों बता दूं कि जिस हिसाब से प्रमोशन हाइप चल रही है भैया, बुर्ज खलीफा पे अब शैतान नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों बता दूं कि बहुत ही सॉलिड हाइप चल रही है और IMDB फेल, बुक माई शो पे फेल, मतलब कुल जगहों पर दोस्तों सोशल मीडिया पे दोस्तों हाइप इतना बटोर चुकी है फिल्म। और उसके बाद दोस्तों शैतान मूवी का आज सॉन्ग भी आया, ऐसा मैं शैतान करके, क्या अमेजिंग सॉन्ग था। वेल दोस्तों सारे अजय देवगन फैंस असेंबल हियर, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी वक्त। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी लोगों का जो इस कदर मुझे प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो और मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं और सबके कमेंट्स का रिप्लाई देवल दिन भर एपिसोड नंबर 2 में दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि शैतान मूवी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इसके एडवांस बुकिंग जो है दोस्तों 5 मार्च से शुरू हो रहा है, 5 मार्च से एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है और 8 मार्च को दोस्तों ये फिल्म रिलीज हो रही है फ्राइडे को, और उस दिन है महाशिवरात्रि। तो इसी बात पे हर हर महादेव हर कोई लिखिए कमेंट सेक्शन में। भैया ये शैतान नहीं रुकने वाला, ये शैतान अब बुर्ज खलीफा पे नजर आ रहा है। बुर्ज खलीफा पे भी अजय देवगन की फिल्म में दोस्तों शैतान सुर्खियां बटोर रही है। इसके साथ ही साथ बुक माई शो पे आपको बता दूंगी 50,000 का इंटरेस्ट, IMDB पे सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, मोर देन 60% का हाइप दोस्तों, मोर देन 60% का इंटरेस्ट है। और आपको बता दूं कि भाई साहब अभी तो ये शुरुआत है, अजय देवगन की ये फिल्म दोस्तों शैतान जो कि कहा जा रहा है कि कम से कम लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ पार करके Drishyam 2 के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि Drishyam 2 जो फिल्म है अभी कोरिया में भी इस फिल्म की रीमेक की जा रही है। जी हाँ दोस्तों अभी की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कि कोरियन जो स्टूडियो है, कोरियन फिल्म बैनर है, एक क्या बोलते हैं एंथोलॉजी स्टूडियो, और उसके डायरेक्टर दोस्तों बता दूं कि किम जी वून, वो बेसिकली Drishyam 2 की रीमेक बना रहे कोरिया में। जैसे कि हमने साउथ को मोहनलाल जो थे इस पिक्चर में साउथ की मूवी को रीमेक किया था एज ए नॉर्थ में, वैसे ही दोस्तों कोरियन जो फिल्म डायरेक्टर है किम जी वून, वो इस Drishyam 2 का कोरियन फिल्म के अंदर, मतलब कोरियन अपनी जो कंट्री है वहां पर कोरियन में इस फिल्म को रीमेक कर रहे हैं। अब कुछ भी नाम हो सकता है, आम पाँव पाँव मजाक कर रहा हूं दोस्तों, कुछ भी नाम हो सकता है फिल्म का। तो भैया अजय देवगन की दोस्तों अभी तमाम फिल्में आने वाली है, अभी तो पाइपलाइन में है। एक फिल्म आ रही दोस्तों मैदान मूवी, कहा जा रहा है कि BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ क्लैश होगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों औरों में कहा दम था, सिंगम अगेन, Raid 2 दोस्तों तमाम फिल्में आ रही है। आज जो सॉन्ग आया ऐसा मैं शैतान, ये जो सॉन्ग था माल का था, कंपोजिशन बाय दोस्तों अमित त्रिवेदी एंड इस सॉन्ग को गाया रफ्तार ने। जी हाँ दोस्तों क्या रैप था भाई, ऑसम रैप। इसके साथ ही साथ कुमार का सॉन्ग है, कुमार की आवाज है। एंड वेल दोस्तों आपको बता दूं कि इस सॉन्ग पे जो टोटल व्यूज आए हैं 7 घंटे में, बड़ी तगड़ी हाइप चल रही है, 62,58,03,888। जी हाँ दोस्तों एंड 53,000 लाइक एंड 1,100 कॉमेंट आए हैं। दोस्तों कई लोगों के ऐसे कॉमेंट आ रहे थे कि सर ये जो फिल्म है कितने स्क्रीन पे चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसको मिनिमम 3,000 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, और क्योंकि ये फिल्म सोलो रिलीज हो रही है, बट इसके साथ कई मूवीज भी अभी चल रही है, जैसे कि फाइटर भी थिएटर में चल रही है, लापता लेडीज भी अभी क्लैश कर सकती है, इसके अलावा तू झूठी मैं मकार भी अभी थिएटर में चल रही है। तो दोस्तों ये फिल्में थोड़ा बहुत कलेक्शन को गिरा सकती है, और मैंने बताया भी था कि इसके लाइफ टाइम कलेक्शन जो है 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो जाना ही जाना है। फर्स्ट डे की ओपनिंग एज पर 3,000 स्क्रीन दोस्तों कम से कम भी 12 से लेकर 15 करोड़ फर्स्ट की ओपनिंग होगी। एंड उस दिन शिवरात्रि, ये हॉलिडे का टाइम है, तो अजय देवगन डेफिनेटली भाई रॉक कर देगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन की इस फिल्म को बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है, एंड कहा जा रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां की हाइप अच्छी है, लेकिन बड़े मियां छोटे मियां का जो कलेक्शन आएगा बहुत कम आएगा, और अजय देवगन की यह फिल्म साइलेंटली दोस्तों बॉक्स ऑफिस की ओपनर बनेगी। जी हां दोस्तों, और आपको बता दूं कि जो ये सॉन्ग आया ना भाई, अभी तक दोस्तों 2 सॉन्ग आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि टीजर आ चुका है, ट्रेलर आ चुका है, सोशल मीडिया पे हाइप बन चुकी है बहुत सॉलिड वाली। एंड आपको बता दूं कि ये वशीकरण पर आधारित फिल्म है, गुजराती मूवी वश का रीमेक है, और जिसका नाम आप सबको पता है शैतान। आर माधवन की खूबसूरत एक्टिंग, एक हॉरर एक्टिंग, अजय देवगन, ज्योतिका एंड जानकी बोड़ीवाला, क्या ऑसम एक्टिंग, जो दोस्तों कुल मिला के फाड़ दिया भाई, बॉक्स ऑफिस खत्म है भाई। एंड इस फिल्म का रिव्यू, इस फिल्म को सपोर्ट एंड इस फिल्म के रिएक्शंस आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा दोस्तों, इसी बात पर ठोको कमेंट। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि भैया
इस फिल्म को लेकर जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आ रही है, तो देखो यार एडवांस बुकिंग 5 से स्टार्ट होगी, तो 8 तारीख के लिए जो कलेक्शंस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कम से कम ये 2 करोड़ का कलेक्शंस जो है एडवांस बुकिंग डे नंबर 1 के लिए कलेक्ट कर सकती है, मिनिमम 2 करोड़ का एस्टिमेट किया जा रहा है। एंड ओवरऑल कलेक्शंस मैंने बताई थी कि 12 से 15 करोड़ के आसपास ये कमा सकती है फर्स्ट डे की ओपनिंग। इससे पहले जो उनकी भोला आई थी जो भी इतना एवरेज परफॉर्म करी, हाँ दृश्यम 1 दृश्यम 2 कमाल की थी, लास्ट फिल्म दृश्यम 2, एंड दोस्तों वैसे तो भोला 2 की भी उम्मीद आ रही है। साथ ही साथ मैदान मूवी जो पता नहीं कितने वर्षों के पश्चात आ रही है और BMCM के साथ क्लैश है, बट यहाँ मैदान मूवी को जो ये फिल्म आ रही है शैतान, उससे ज़्यादा हाइप मिलेगी। दोस्तों अजय देवगन ने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रची है, हालांकि 2-3 साल से मैदान मूवी पोस्टपोन हो रही है, भोला के टाइम पर रिलीज हो जाती, लेकिन एक्चुअल मैं आपको बता दूँ कि जब बोनी कपूर के द्वारा ये बार बार क्या बोलते हैं पोस्टपोन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अजय देवगन ने जानबूझ के मार्च के बाद अप्रैल ही क्यों चुना। देखो यार सबसे पहला फैक्टर ये था कि मार्च में उनकी फिल्म काफी अच्छा हाइप बटोर लेती शैतान, उसके बाद इन्होंने एक फैक्टर ये भी सोचा कि बड़े मियां छोटे मियां, देखो यार कोई जब बड़ी फिल्म के साथ क्लैश करता है ना तो ऑटोमेटिकली उस फिल्म की प्रमोशन हो जाती है, एंड ये सबसे बढ़िया आइडिया लगाया हमारे अजय देवगन ने, क्योंकि मैदान मूवी ऑफकोर्स अगर सोलो रिलीज होती तो शायद इतना नहीं चल पाती, लेकिन क्योंकि क्लैश के साथ ये बॉक्स ऑफिस पे अगर बड़े मियां छोटे मियां कारगर साबित नहीं हुई या जॉनर चेंज हुआ तो डेफिनेटली ऑडियंस का टेस्ट बदलेगा। एंड एक तरफ जहां पर मोटिवेशनल फिल्म एक सपोर्ट क्या बोलते हैं स्पोर्ट टाइप के जैनर है, और एक तरफ जहां पर एक्शन का ड्रामा जॉनर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अजय देवगन कमाल की स्टडी रच रहे हैं। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पे दोस्तों कमाल की प्रमोशन चल रही है, अभी कुछ तस्वीरें वायरल हुई मैंने देखा जिसमें बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चला हुआ है दोस्तों, तो आप सोच सकते हो कि भाई अजय देवगन की हाइप कहाँ नहीं है, इंडिया में ओवरसीज में दोस्तों कमाल की हाइप चल रही है। इसके साथ ही साथ अब अजय देवगन जो है ग्लोबल स्टार बनते जा रहे हैं, क्योंकि दृश्यम 2 भी कोरिया में चल रही है, अभी कोरिया में चल रही है, उसके बाद हो सकता है कि USA में चले, हो सकता है कि रशिया में चले, बांग्लादेश में चले, ऐसे ही दोस्तों शैतान मूवी जो है ओवरसीज में भी इसकी हाइप बनी हुई है, और ओवरसीज में भी कम से कम इसको 2000 से लेकर 2500 तक स्क्रीन्स मिल रहे हैं, तो दोस्तों कमाल की हाइप बटोर ये फिल्म ही है। ठीक है, अब देखो यार कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि मेरे को कि यार अजय देवगन की लाइफ टाइम जो कलेक्शंस है वो 170-180 करोड़ रहेगा नेट में। ठीक है, मैं मानता हूँ वो सही भी कह रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि दृश्यम 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था लगभग 300 करोड़ के आसपास का रहा ग्रॉस में, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी हाइप 60% IMDb पे है, तो जरूर अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। एंड इसके साथ ही साथ मैंने बताया भी था कि शैतान मूवी के साथ लाहौर 1947 का टीजर भी आ सकता है, तो ये भी बड़े कमाल की बात है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म की प्रमोशन दबा के जोरों शोरों चल रही है, इसमें सबसे मस्त जो मेरे को लगा है जो मैंने ऐसा मैं शैतान वेल दोस्तों इसका जो रैप था ना भाई रफ्तार का, इस सॉन्ग के बारे में क्या बताऊं, इसका अगर मैं रिव्यू करूं 2 लफ्जों में तो भाई आर माधवन को मैं सैल्यूट करूंगा। आर माधवन यार राक्षस लग रहा है, पूरा राक्षस लग रहा है। ये पूरी फिल्म तांत्रिक गतिविधियों पर आधारित है, एंड ऑफकोर्स अजय देवगन की जो आईज फेशियल एक्सप्रेशंस है वो हर बार रूप चेंज करते हैं, हर बार लुक चेंज करते हैं माय डियर फ्रेंड। एंड ज्योतिका जानकी बोरी वाला, और जब ये सॉन्ग दोस्तों चल रहा होता ना तो उसके आपने देखा होगा, अगर आपने वीडियो सॉन्ग देखा होगा तो उसके अंदर पूरी फिल्म की वो सारे सीन्स दिखाई पड़ते हैं बैकग्राउंड में, जब वो आर माधवन उसको वशीकरण कर लेता है पूरी तरीके से अपने अधीन, एंड वो जो लड़की परफॉर्म करती है जब वो बोलता है आर माधवन, तो पूरा पिक्चराइजेशन उस बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे दिखाया जाता है, और एक वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे पुतले होते हैं मम्मी के रूप में, उसके बाद आर माधवन का वो लंबे लंबे हेयर और तांत्रिक वाला वो सिंदूर का करना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो गतिविधि भी दिखाई जाती है। सो वेल दोस्तों एडवांस बुकिंग के लिए वी आर सो एक्साइटेड कि 5 मार्च को दोस्तों क्या लगता है PVR आईनॉक्स और साइनेपोलिस से कितने टिकट बिक सकते हैं। देखो यार फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो 2 करोड़ कलेक्ट हो पाएंगे, और रही बात टोटल टिकट की तो ऑलमोस्ट मैं जो एस्टिमेट कर रहा हूँ बुक माई शो पे 7 तारीख तक कम से कम इसका इंटरेस्ट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 लाख क्रॉस कर जाएगा डैट मीन्स दोस्तों कम से कम इस फिल्म का कलेक्शन लगभग आप मान लो कि
दो तीन करोड़ फर्स्ट डे के लिए कलेक्ट कर लेगी। एंड ऑफकोर्स अगर 10 करोड़ भी कमा लिए पहले दिन तो 13 करोड़ की अर्ली एस्टिमेट निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों आर यू एक्साइटेड फॉर द शैतान मूवी? क्या लगता है दोस्तों, ये शैतान रुकेगा या दोस्तों भागेगा दौड़ेगा, और बॉक्स ऑफिस में लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? एंड दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये फिल्म शैतान मूवी बहुत ही सॉलिड मूवी होगी? अजय देवगन की और भी तमाम फिल्में आ रही है, आर यू एक्साइटेड? एंड फुल सपोर्ट टू अजय देवगन फैंस, असेंबल हियर, लाइक कमेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कमेंट करना ना भूले।